इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन वाट इज मैंट बाय द फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स मार्केट दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हम फ्यूचर में जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं प्रेजेंट में जिसमें जो ट्रांजैक्शन है वो अमल में आएगी फ्यूचर डेट के ऊपर लिहाजा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाट इज मेट बाय अवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है और फ्यूचर्स मार्केट क्या होती है दिस इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड सो फॉरवर्ड मार्केट बेसिकली इज़ एन ओवर द काउंटर मार्केट प्लेस ओवर द काउंटर मार्केट प्लेस का मतलब है कि आपको कोई सोफिस्टिकेटेड स्पेसिफिक मार्केट में जाके फॉरवर्ड मार्केट के ट्रांजेक्शन या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को अंडरटेक करने की ज़रूरत नहीं है आप कहीं भी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके अमल में लेके आ सकते हैं और आपने ओवर द काउंटर मार्केट प्लेस है तो आप उस वहीं पे बैठ के अपने जो भी आपको सूट करती है प्राइसेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या uh, कोई भी और एसेट ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ही बाइंग एंड परचेजिंग हैं यहाँ पर इसमें आप कोई भी कमोडिटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो कि डिलीवर होगी फ्यूचर में दे वी आर टॉकिंग वी आर कॉलिंग इट एज अ फॉरवर्ड मार्केट कि आप अभी डील करें कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन करें मगर जो डिलीवरी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इट कैन बी अ कमोडिटी इट कैन बी अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसकी डिलीवरी फ्यूचर डेट पे होगी तो दे फॉर वी आर कॉलिंग इट एज अ फॉरवर्ड मार्केट नाउ फॉरवर्ड मार्केट्स जो हैं वो बहुत एक्सटेंसिवली हाँ हमें उन इस्तेमाल उनका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिलता है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर और इसमें हम बहुत सारी एक्सटेंसिवली कमोडिटीज़ को भी इस्तेमाल करते हैं जैसे वीट है कॉटन है राइस है कि हम फ्यूचर पे उसको डिलीवर करने वाले हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट हम अभी साइन कर लेते हैं और इसके अलावा फॉरवर्ड मार्केट में जो और बहुत मशहूर कमोडिटीज़ हैं दे इंक्लूड गोल्ड और फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी फॉरवर्ड मार्केट में इस्तेमाल की फॉरवर्ड एक्सचेंज को भी आप फॉरवर्ड मार्केट के तौर में भी के तौर में एक एज एन एज एन इंस्ट्रूमेंट टू सेल एंड परचेज इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ फॉरवर्ड मार्केट में सिक्योरिटीज इंटरेस्ट रेट्स भी को भी अकाउंट को भी अकाउंट फॉर किया जा सकता है सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली अप विद वन काइंड ऑफ एसेट इसमें फाइनेंशियल एसेट भी हैं और कमोडिटीज भी आ जाती हैं और फॉरवर्ड मार्केट जो है ये जब हम फॉरवर्ड मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करें तो वहाँ से हमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स uh, मटेरियलाइज होंगे हम उनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं नाउ फॉरवर्ड uh, और फ्यूचर मार्केट्स में देर इज अ डिस्टिंगशन दर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट सो दे फॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका फ़र्क क्या है जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह से हम फ्यूचर के में जाके डिलीवरी दे रहे हैं या वो मटेरियलाइज होने वाली है लेकिन जो फ्यूचर्स की मार्केट है वो ओवर द काउंटर नहीं हो सकती उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड मार्केट में स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ेगा वहाँ रेगुलेटर का रोल काफ़ी स्ट्रांग है तो द इंटायर मार्केट द इंटायर फ्यूचर्स मार्केट इज रेगुलेटेड एंड इट इज इट कैन ओनली द ट्रांजेक्शन और द कॉन्ट्रैक्ट्स कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इन द स्पेशलाइज्ड मार्केट सो देर आर स्पेशलाइज्ड मार्केट्स फॉर द फ्यूचर्स लेकिन फॉर्वर्ड के लिए आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपको स्पेशलाइज मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है नाउ फॉरवर्ड जो हैं वो बैंक्स के दरमियान में भी टेक प्लेस हो सकते हैं वो बैंक्स और कस्टमर के दरमियान में भी पॉसिबल हो सकते हैं डिफाइन हो सकते हैं लेकिन जो फ्यूचर्स हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ एक्सचेंज के अंदर ही जाकर ट्रांजेक्शन्स उसके हैपन हो सकते हैं और एक्सचेंज जो है वो उस ट्रांजेक्शन की पार्टी बनेगी जरूरी है सो देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कंट्रोल और दैट डिफाइन द सेल एंड परचेज ऑफ फ्यूचर्स लेकिन ये पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन जो है वो फॉरवर्ड मार्केट में नहीं है नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फॉरवर्ड मार्केट में जो प्राइसिंग है उसके लिए हम इंटरेस्ट रेट को पैमाना बनाते हैं इंटरेस्ट रेट की बेसिस के ऊपर आपकी जो प्राइसिंग होती है फॉरवर्ड मार्केट में वो असेस की जाती है जब आप फॉरेन एक्सचेंज की के अंदर डील कर रहे हैं तो नेचुरली जब आपने किसी को जो फॉरेन एक्सचेंज है यूएस डॉलर्स हैं या पाउंड स्टर्लिंग है वो पंद्रह दिन के बाद या एक महीने के बाद या तीन माह के बाद आपने अगर पे करने हैं तो वहाँ भी जो जितना टाइम पीरियड अभी साइन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट और जब वो मटेरियलाइज होने वाला है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दरमियान में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर चीज को अकाउंट फॉर किया जाएगा यानी कि वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड को असेस किया जाता है प्राइसिंग के लिए इन द केस ऑफ फॉरवर्ड मार्केट्स लेकिन जो फ्यूचर्स हैं वहाँ जो प्राइसिंग है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इससे फर्क है सो वी आर टू डिस्कस इन डिटेल इन द सिक्वेंस सेक्शन